अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पहले मैंने आपके साथ जो है वो सिंध बोर्ड की तरफ से जो 9th और 10th का सिलेबस रिड्यूस करके छाया किया गया, जारी किया गया, उनकी तरफ से मैंने आपके साथ पहले वीडियो शेयर कर चुका हूँ। अब आज हम जो है वो आपके साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो सिलेबस की वीडियो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और पूरा सिलेबस आपको देंगे जो कि आपने इस साल जो एग्ज़ाम देने हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उसमें तैयारी करनी है सिंध बोर्ड की तरफ से। आपको फिर बताएँ कि ये सिंध बोर्ड की तरफ से जो रिड्यूस सिलेबस जारी किया गया है वो ही आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे, जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप सब्सक्राइब चैनल कर लेंगे तो कोई भी गैस पेपर या कोई लेक्चर या फिर कोई भी न्यूज़ मैं शेयर करूँगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में कौन सा सिलेबस है जो जारी किया गया। तो फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है उसमें हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में कितने लेसन हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, हमने कितने एसेज वगैरह करने हैं हमने। तो सबसे पहले तो हमने जो रीडिंग टेक्स्ट है वो हमने कितने करने हैं, तो हमारे पास जो है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, एट्थ, टेंथ और ट्वेल्थ, ये हमने टोटल जो है 7 चैप्टर्स हमने जो हैं वो करने हैं। इसके बाद हमने जो करना है सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स पार्ट 1, ठीक है, अंडर द ग्रीन वर्ल्ड ट्री। ठीक है, हमने जो पोइम्स करनी है वो कौन सी करनी है, पोइम नंबर 1 करनी है हमने, ठीक है, अंडर द ग्रीन वर्ल्ड ट्री। पोइम नंबर 2 है करैक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, पोइम नंबर 5 है, ठीक है, पोइम नंबर 7 है, पोइम नंबर 10 है, पोइम नंबर 11 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्रामा एंड प्लेज हैं, तो हमारे पास 3 ड्रामाज एंड प्लेज हैं जो हमने इसके बाद करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो गाइडलाइन है फॉर इफेक्टिव टीचिंग, जो टीचिंग के लिए गाइडलाइन है वो आपके साथ, ठीक है, वो शेयर कर दिया गया। जो सिलेबस था इंग्लिश का वो यही था। उसके बाद जो है वो सिर्फ टीचिंग गाइडलाइंस है जो कि सिर्फ टीचिंग के लिए है, आपके लिए नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना है वो आपके साथ शेयर करते हैं अभी। इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो उर्दू का सिलेबस है, उर्दू के अंदर हमने कौन से मज़ामीन वगैरह करने हैं और कौन से हमारे पास जो है इनके लेसन वगैरह जो है हमने जिनके क्वेश्चन याद करने हैं या फिर इनका जो खुलासा वगैरह होता है हमने वो याद करना है या फिर हमने जो पोइट्री है वो याद करनी है, तो हमारे पास कितने लेसन हैं इनके। तो इसके अंदर 1 है हमारे पास, ठीक है, हमद है, ठीक है, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत है, सेकेंड सबक है तो सेकेंड लेसन है, उसके बाद हमारे पास हुब्बे वतन है, जैसी करनी वैसी भरनी, ईरान का जाड़ा, आदमी नामा। इस तरह हमारे पास टोटल 14 जो हैं वो नज़में और जो हमारे पास लेसन हैं वो हमारे पास मौजूद हैं जो हमने करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हमने मज़ामीन वगैरह करने हैं या फिर जो भी इंशाइया मज़ामीन वगैरह हमने करने हैं इसके अंदर वो नीचे ये लिखे हुए हैं, आपने उसके मुताबिक ही इसकी तैयारी करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं इस्लामियात फर्स्ट ईयर, ठीक है, इस्लामियात फर्स्ट ईयर जो हमने कितने चैप्टर इसमें करने हैं। तो इसमें टोटल हमने 4 चैप्टर करने हैं और उनमें से जो जो हमने टॉपिक्स करने हैं वो आपके सामने है, इसके अलावा आपने कोई टॉपिक्स जो है वो याद नहीं करना और जो भी आपने आयात नंबर्स करनी हैं वो भी नीचे लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ वही करनी है, इसके अलावा आपने नहीं करनी। और हदायत बराए इस्तादा जो सिर्फ इस्तादा के लिए है तो ये आपके लिए हदायत नहीं है, ये टीचर के लिए है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है, ठीक है, ये जो बुक है आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की है, तो ये जो दोनों टॉपिक्स दिए गए हैं ना दोनों साइडों पे ये दोनों क्लासेस के लिए कंबाइन है। तो टीचर आपको बता देंगे कि फर्स्ट ईयर कौन से हैं, सेकंड ईयर कौन से हैं, चैप्टर थीम है हमारे पास, ठीक है, तो ये चैप्टर्स है हमारे बाब नंबर 1 है, 2 है, जो भी ये 4-5 चैप्टर हैं ये आपको टीचर्स बता देंगे, इनमें से हाफ आपने फर्स्ट ईयर में करने हैं और हाफ आपने सेकेंड ईयर में करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की, फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी है उसमें हमने क्या क्या करना है, तो ठीक है, तो पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है द बायोलॉजी, ठीक है, इसमें टोटल हमने 9 चैप्टर करने हैं, 9 चैप्टर करने हैं और 9 चैप्टर के अंदर हमने जो टॉपिक्स करने हैं वो आपके साथ शेयर किए गए हैं। पहला जो हमारे पास चैप्टर है द बायोलॉजी, इसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स करने हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हमने 4 टॉपिक्स करने हैं, एनिमीज के अंदर हमने 2 टॉपिक्स करने हैं, द सेल के अंदर हमने 4 टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। इसी तरह जो बाकी चैप्टर किसी के अंदर 6 है, किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 1 है, तो इस तरह जो टॉपिक आपके सामने मेंशन किए गए हैं चैप्टर्स के अंदर आपने सिर्फ वही करने हैं, इसके अलावा आपने एक टॉपिक भी नहीं करना, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इसी में से आएगा, ठीक है। बाकी जो इसके चैप्टर्स हैं वो
आगे दिए गए हैं ये चेक करें, ठीक है। बाकी जो चार चैप्टर हैं, पांच चैप्टर ये आपके सामने हैं, इनमें से जो टॉपिक्स करने हैं वो आपके सामने, काफ़ी हद तक जो सिलेबस है वो शॉर्ट किया गया है, तकरीबन 40% जो सिलेबस है ना हर बुक का वो शॉर्ट कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी बुक है इसके बाद, तो इसके बाद है कंप्यूटर साइंस है जो फर्स्ट ईयर की, इसके अंदर हमने कितने चैप्टर्स करने हैं और कितने हमने टॉपिक करने हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर हैं टोटल वो है चैप्टर नंबर वन, ठीक है, इसके अंदर हमने चार टॉपिक करने हैं। चैप्टर नंबर टू, इसके अंदर हमने फाइव टॉपिक करने हैं। चैप्टर नंबर थ्री के अंदर हमने फोर टॉपिक्स करने हैं। चैप्टर नंबर फाइव है, इसके अंदर हमने थ्री टॉपिक्स करने हैं। चैप्टर नंबर सिक्स है, ठीक है, इसके अंदर हमने टोटल टॉपिक्स जो है करने हैं सेवन, ठीक है। चैप्टर नंबर सेवन है हमारे पास, तो इसके अंदर हमने टोटल टॉपिक जो है वो तीन करने हैं। चैप्टर नंबर एट है, इसके अंदर भी हमने तीन टॉपिक्स करने हैं। जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है इसके बाद हमने यही सिलेबस जो है वो रेडी करना है, इसके अलावा हमने कोई सिलेबस जो है रेडी नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास जो है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो टोटल टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के वो एट हैं, और एट के अंदर हमारे पास आप फर्स्ट टॉपिक चैप्टर जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर हमने टोटल चार टॉपिक्स करने हैं। बाकी जो स्किप किए गए हैं वो आपने नहीं करने, जो आपको मेंशन है बार बार आपको यही बता रहा हूँ, जो कि मेंशन है आपने सिर्फ वही सिलेबस रेडी करना है, इसके अलावा आपने कोई सिलेबस रेडी नहीं करना। आपको बाकी हिदायत टीचर भी आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टोटल फाइव चैप्टर्स हैं, फाइव और थ्री एट चैप्टर्स हैं, और एट चैप्टर में से तकरीबन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही आपके साथ जो है उन्होंने रखे हैं, बाकी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं थे उनके मुताबिक उन्होंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है। तो ये फाइव थे, ये सिक्स सेवन एट, इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिक्स चैप्टर के अंदर हमारे पास टोटल फाइव टॉपिक्स हैं, सेवन के अंदर हमारे पास टॉपिक्स हैं सेवन एट, और एट के अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, यही आपने रेडी करने हैं, इनमें से आपके इंशाल्लाह एग्जाम्स जो हैं वो आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है हमने उसमें कितने चैप्टर्स करने हैं, तो इसके अंदर हमने चैप्टर्स करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। इसके अंदर हमने टोटल टेन चैप्टर करने हैं, फाइव चैप्टर और हमारे हैं हमारे पास, इसमें से जो आपके साथ अगेन बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे जो टॉपिक्स मेंशन हैं आपने सिर्फ वही चैप्टर करने हैं, वही टॉपिक्स करने हैं, इसके अलावा आपने कोई टॉपिक नहीं करना, और जो चैप्टर यहाँ पे मेंशन है वही चैप्टर आपने करने हैं, और इसी टॉपिक के रिलेटेड आपने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करने हैं, MCQs करने हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज वगैरह करने हैं, और इन्हीं टॉपिक के रिलेटेड आपने जो है वो एग्जाम्पल्स करनी है। याद रहे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बाकियों की लेटर, ठीक है, बाकियों की बजाय जो चैप्टर्स होते हैं, इन जो टॉपिक्स होते हैं उनकी जो हमारे पास होती हैं एग्जाम्पल्स होती हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो बुक आती है वो कौन सी है, फिज़िक्स की बुक है, ठीक है, ये आप देख लें, आपके साथ जो मैथ का सिलेबस है ये सामने है आपके, बाकी चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फिज़िक्स, ठीक है, तो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की है, इसके अंदर हमारे पास कितने चैप्टर हैं टोटल, फिज़िक्स के अंदर हमारे पास टोटल हैं जी टेन चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहले चैप्टर के अंदर हमारे पास दो थ्री टॉपिक्स हैं, और सेकेंड चैप्टर के हमारे फोर फाइव टॉपिक्स हैं, थ्री के हमारे पास हैं फोर टॉपिक्स, इसी तरह इसके टोटल टेन हमारे पास चैप्टर दिए गए हैं और इनके टॉपिक्स दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स के जो रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे हमने वो करने हैं, और एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हमने वो रेडी करने हैं। जो फिजिक्स है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, जिसकी हमारे पास एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो ही आते हैं इनके पेपर के अंदर, जो आपके 40 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना, अगर आप अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो 100% जो आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सेकेंड ईयर की इंग्लिश है, हमारे पास सेकेंड ईयर की इंग्लिश में हमने क्या करना है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमारा होगा, सेकेंड ईयर में हमने क्या करना है, सेकेंड ईयर में हमारे पास इसके टोटल फाइव हमारे पास रीडिंग चैप्टर हैं, ठीक है, इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हमारे पास जो पोइम्स हैं वो भी हमारे पास सिक्स पॉइंट्स हैं, उसके बाद हमारे पास नोवेल है 1 to 22 तक हमारे पास जो है हमने नोवेल करने हैं, और हमारे पास जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है, लेटर राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ठीक है, कंपोजिशन ये हमने करने हैं, इसमें रेडी करने हैं। इसके बाद हमारे
जो आपकी सिंधी ज़ुबान है ग्रेड 12 की, तो आपका जो वो सिलेबस है वो आपके सामने है, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। जो आपने इसके अंदर गज़ल्स वगैरह करनी हैं, जो भी पोइम वगैरह है, जो भी लेसन वगैरह है, आपने अपनी सिंधी ज़ुबान में जो रेडी करना है वो ये सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड ईयर की जो है उसकी उर्दू की बात करते हैं, तो उर्दू के अंदर उसने कौन क्या स्किप किया, क्या स्किप नहीं किया। तो इसके अंदर हमारे पास पहले जो है वो लेसन दिए गए हैं, रस्म और रिवाज की पाबंदी के नुकसान, सच और झूठ का कारनामा। इस तरह इन्होंने आपके साथ 15 जो हैं वो आपको लेसन दिए हैं, नज़में आपको इन्होंने सिर्फ 4 दी हैं, बाकी जो आपने दरख्वास्त ख़त या तलखीस उर्दू मुकालमा जो भी आपने करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि आपने कहाँ तक करना है। जो टीचर्स हैं आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, बाकी जो सिलेबस है वो आपके साथ, ये देखें नीचे आपके साथ सारा सिलेबस जो है वो शेयर कर दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान स्टडी है सेकंड ईयर की, तो इसके कितने चैप्टर होंगे आपके पास, तो इसके टोटल जो है हमारे पास 9 चैप्टर हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट है हमारे पास, इसके जो आपने टॉपिक्स करने हैं वो भी नीचे दिए गए हैं। इसके बाद द लैंड ऑफ पाकिस्तान है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं, ये आपने रेडी करने हैं। द कल्चर ऑफ पाकिस्तान है, इनके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इसके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाकी इसके टॉपिक ये आगे हैं, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान एंड द कमिटी ऑफ नेशन है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी इसके टॉपिक्स आगे पेज पे हैं, ठीक है। ये देखें इस पेज पे हैं। और लास्ट चैप्टर इसका वायलेशन ऑफ राइट्स एंड रिटर्सल ऑफ ग्रेवेंस, ठीक है। तो आपने इसके टॉपिक्स भी करने हैं। तो इसके बाद बायोलॉजिकल सेकंड ईयर हमारे पास है, तो बायोलॉजिकल सेकंड ईयर में हमारे पास कितने चैप्टर हैं, हमारे पास टोटल 13 चैप्टर हैं, और इसको काफ़ी हद तक शॉर्ट किया गया है, ठीक है। यानी कि पहले चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ 5 टॉपिक है, सेकंड चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स हैं, थर्ड चैप्टर के अंदर 6 टॉपिक्स हैं, फोर्थ चैप्टर के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक हैं, फाइव चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक हैं, सिक्स के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक हैं। इसी तरह देखें आप, काफ़ी हद तक इसको शॉर्ट किया गया है, और इसी में से आपके लॉन्ग शॉर्ट आएंगे। इसके अलावा आपने कोई सिलेबस जो है वो रेडी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो इसके हमारे पास कितने चैप्टर हैं, तो कंप्यूटर साइंस जो है इसके हमारे पास टोटल 6 चैप्टर हैं, और इनमें से जो आपका सिलेबस जो उन्होंने स्किप किया है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। जो टॉपिक्स आपने करने हैं वो दिए गए हैं, यानी कि पहले चैप्टर के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं, सेकंड के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, थर्ड के 2 हैं, 4 के 5 हैं, 5 के हमारे पास 4 हैं, ठीक है, और 6 के हमारे पास 4 हैं, ये ही आपने रेडी करने हैं। इसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री है सेकेंड ईयर की, तो इसके कितने चैप्टर हैं हमारे पास, केमिस्ट्री के टोटल हमारे पास हैं 11 चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट के हमने 3 करने हैं टॉपिक्स करने हैं, सेकंड के हाइड्रोजन के हमने 3 टॉपिक्स करने हैं। जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, और जो ज़्यादा जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं, यानी कि हमने कोई भी सॉल्यूशन वगैरह बनाना है, कोई भी हमने अल्केन वगैरह के जो एग्जाम्पल्स हैं HNO3 इसका जो हमारे पास डायाग्राम वगैरह बनेगी, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आते हैं बोर्ड के लिहाज से सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में थ्योरी कम आती है और ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क आता है, यानी कि हमारे पास अल्केन इनकी इनके दरमियान डिफरेंस आ गया, इस तरह हमारे पास जो भी है फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा आते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैथमेटिक है सेकेंड ईयर की, तो इसके अंदर हमारे पास कितने चैप्टर हैं, तो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास टोटल 20 चैप्टर हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक इसको स्किप किया गया है, बाकी सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है इसके में हमने कितने टॉपिक करने हैं, यानी कि 3 टॉपिक करने हैं, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, एक्सरसाइज 1.6 करनी है और 1.7 करनी है, इस तरह। फर्स्ट है तो उसके अंदर आपके सिर्फ वो फ्रेजेस वगैरह है, सेकंड चैप्टर है तो इसकी एक्सरसाइज आपको बताई गई है 2.1 2.2 2.6 2.4 एंड 2.5, ठीक है। इसी तरह हर चैप्टर में आपके टॉपिक के लिहाज से आपको एक्सरसाइजेज जो हैं वो मेंशन की गई हैं, आपको जो उनके क्वेश्चंस हैं वो मेंशन किए जाएंगे कि आपने सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चंस करने हैं। ये 9 चैप्टर आप पहले पेज पे थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स हमने कर ली, ठीक है। फिज़िक्स सेकेंड ईयर, सॉरी जो आपके मैथ के थे वो 9 चैप्टर थे आपके सिर्फ,
20 नहीं थे आपके, सिर्फ वो 9 चैप्टर थे। ये आपका जो पेज है जो मैथ का है, सिर्फ 9 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। यही एक्सरसाइज आपने करनी है। इसके बाद हमारा फिजिक्स शुरू हो रही है, तो फिजिक्स जो मजमू तौर पर यहाँ पे 11 चैप्टर, लेकिन आपका ये पहला चैप्टर है, बाकी जो 10 चैप्टर थे वो पिछली फर्स्ट ईयर के थे। यहाँ पे सेकेंड ईयर शुरू हो रही है, तो इसके टोटल है हमारे पास 10, ठीक है, 10 चैप्टर हैं हमारे पास, और आपने यही रेडी करने हैं। 10 चैप्टर में से जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपके सामने हैं, ये आपने यही रेडी करने हैं, और न्यूमेरिकल भी आपने यही रेडी करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी से आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि कोई भी लेक्चर, गेस्ट पेपर या कोई भी वीडियो शेयर करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। लाइक भी ज़रूर करें और दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। तो इसी से आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफीक, अल्लाह हाफिज़।